चलिए अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। अगली खबर राजधानी भोपाल से ही। राजधानी में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अशोका गार्डन की 80 फीट टूट की घटना है। सीने में गोली लगने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। हमले में मृतक की पत्नी भी घायल हुई है। दूसरी पत्नी ने बच्चों के साथ मिलकर हमला किया। अशोका गार्डन पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जाँच में जुटी हुई है। राजधानी में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। अशोका गार्डन के 80 फीट रोड की घटना बताई जा रही है। सीने में गोली लगने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। हमले में मृतक की पत्नी भी घायल हुई। दूसरी पत्नी ने बच्चों के साथ मिलकर हमला किया है। अशोका गार्डन थाने की पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की अब जांच कर रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रिजवान हमारे साथ जुड़ गए हैं। रिजवान, राजधानी में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई, कब की घटना है, क्या कुछ पूरा मामला है, विस्तार से बताएं। देखिए पूनम, कुछ ही देर पहले का मामला है। पूरा मामला अशोक गार्डन थाना क्षेत्र का है। आपको बता दें कि एक पूर्व पत्नी और जो उसके बेटे हैं, उसने अपने पति का, पूर्व में जो पति रहा है उसकी जो है प्रॉपर्टी के चलते जो है हत्या कर दी है। गोली मारकर ही हत्या की गई है। हालांकि मौके से सभी आरोपी जो है उसके बेटे और जो पूर्व पत्नी है वो मौके से फरार हो गए हैं। पुलिस मामले की जाँच कर रही है कि कितने लोग जो है हत्या को कितने लोगों ने अंजाम दिया है और कौन कौन लोग इसमें शामिल है और पूरा विवाद क्या है। हालांकि पूरी तरीके से अभी स्पष्ट नहीं हो पाया क्या विवाद जो है प्रॉपर्टी को लेकर था या कोई अन्य कारण है। पुलिस मामले की जांच कर रही है, आसपास से सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, वो जल्द पूरे मामले का खुलासा करने की बात कर रही है। जी बिल्कुल, शुक्रिया रिजवान इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।